अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, न्यूफा स्किन केयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 7 डे चैलेंज। 7 दिनों में आपकी स्किन टोन को लाइटन अप करके, आपकी कॉम्प्लेशन को ब्राइटन अप करके उसे ग्लो कैसे ले आना है, ये लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसमें आपको कोई भी बाहर के प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना होगा। अगर आपके पास फेस वॉश क्रीम वगैरह ख़त्म हो गया तो किचन की सिंपल इंग्रेडिएंट्स को जिसको यूज़ करके मॉर्निंग से लेके नाइट के रूटीन तक हम बना सकते हैं। आपको इस चैलेंज को लेना चाहिए तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बात लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना और इस वीडियो को पूरा देखना। गर्मी में सबसे ज़्यादा कमियां होती है डिहाइड्रोक्साइड की। मैं इसलिए आपको रिकमेंडेंट करूँगी नॉर्मल पानी के जगह ये डिटॉक्स पानी पीजिए। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, आपकी बॉडी से सारी टॉक्सिन को रिमूव करती है, आपकी बॉडी को प्यूरीफाई करती है और क्लीन करती है, और आपकी चेहरे पे ग्लो लाता है, और प्लस ये वेट लॉस में भी काम आती है। इसके बाद हम बनाएंगे नेचुरल फेस वॉश। आप इसे मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा बेसन, आपकी फेस के अकॉर्डिंग आप बेसन ले लीजिए। उसके बाद इसमें आप ऐड कीजिए हनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे मिक्स करने के बाद अब थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना और ये आपकी स्किन को क्लीन करेगा, आपकी स्किन से डेड स्किन सेल को रिमूव करेगा, ये आपकी स्किन को माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करेगा। ये फेस वॉश बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही अच्छे से इफ़ेक्ट होगा। इसके बाद हम बनाएंगे टोनर। इसके लिए चाहिए रोज़ वाटर, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, और इसके बाद चाहिए विनीगर, आप चाहे तो एप्पल साइड विनीगर यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद हम एक कप में 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर लेंगे और 2 टेबल स्पून विनीगर लेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये टोनर आपकी स्किन को टोन ही नहीं करेगा, आपकी कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगी, पीएच लेवल को बैलेंस करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। और ये आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हो, फेस वॉश के बाद ही इसे यूज़ करना होगा। आप इसे एक कंटेनर में रख सकते हो, उसके बाद इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हो या रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हो। अब हम बनाएंगे DIY मॉइस्चराइज़र। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा मिल्क, और इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे आपके फेस के ऊपर लगाना पड़ेगा, मसाज करते हुए लगाना पड़ेगा ताकि जो मिल्क और हल्दी है अच्छे से फेस में आ जाए। दूध में लैक्टिक एसिड होती है जो आपकी स्किन में नेचुरल एक्सफोलिएट करती है, आपकी स्किन से डेड सेल लेयर को रिमूव करके आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करने में, आपकी कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हल्दी आपकी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं और इसके साथ आपकी स्किन में ग्लो भी लाता है। आएंगे स्क्रब। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेंगे, और उसके साथ चावल का आटा जो है उससे हम मिक्स कर लेंगे। एलोवेरा मॉइस्चराइज़र का काम करेगा और जो चावल का आटा है वो स्क्रब का काम करेगा, और जिसका स्किन सेंसिटिव है वो भी इसको इस स्क्रब को यूज़ कर सकते हो, और इसे सिर्फ 2 ही बार यूज़ करना है हफ्ते में। अब हमें बनाना है फेस पैक। इसके लिए हमें चाहिए, हम लेंगे थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और उसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक, और इसके साथ हम ऐड करेंगे बेसन, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क
और इसके साथ भी इसे हम मिक्स कर लेंगे। और ये रेडी हो गया हमारा फेस पैक और इसे हम डेली यूज़ करेंगे। डेली यहाँ पे कॉफ़ी यूज़ किया है, कॉफ़ी आपकी डल स्किन को ब्राइटन अप करने में, कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, और हल्दी आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, स्किन को इवन टोन करने के लिए, चेहरा पे ग्लो लाने के लिए और स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए। और ये जो मिल्क आपकी स्किन को लाइटन अप ग्लोइंग करने के लिए यूज़ किया है। इस फेस पैक को 20 से 25 मिनट तक रखना पड़ेगा और इंस्टेंटली ग्लो करेगा। सोचो 7 दिन में कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे डेली यूज़ करना है, इसे दोपहर में यूज़ करना है। स्क्रब को हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है और पैक को डेली यूज़। स्किन में ऑयलीपन है हुआ तो आप शाम में भी इस फेस वॉश से फेस वॉश कर सकते हो। उसके बाद जो सीरम है उसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 1 कप में थोड़ा सा चावल भिगा के रखा था 1 घंटे या आधा घंटे, आप यहाँ से भिगा के रख सकते हो। और भी अच्छे से चाहिए तो इसे मसल सकते हो ताकि जो चावल का गुण है पानी में आ जाए। उसके बाद पानी को अलग कर लेना चावल से और एक बाउल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लेना और उसके बाद एलोवेरा जेल के साथ थोड़ा थोड़ा करके चावल का जो पानी है वो मिक्स करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए ताकि जो एलोवेरा जेल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इस पानी के अंदर। तो हमें इस प्रोसेस में करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी देना पड़ेगा, जो चावल का पानी है उसे अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा एलोवेरा जेल के साथ। इस तरह का आप देख सकते हो, इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। जब एलोवेरा जेल और चावल का पानी अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसमें हम थोड़ा सा लेमन का जूस ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सीरम आपकी स्किन में हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन में एंटी एजिंग का भी काम करेगा, आपकी स्किन को टाइटन भी करेगा, ब्राइटन अप भी करेगा स्किन। हमने जिस फेस वॉश को मॉर्निंग में यूज़ किया था उसी फेस वॉश को हम नाइट में भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इवनिंग में स्क्रब कर सकते हो। अब हम बनाएंगे नाइट क्रीम। उसके लिए हमें चाहिए मिल्क और थोड़ा सा टर्मरिक। आप चाहे तो यहाँ पे दही भी यूज़ कर सकते हो, दही भी आपको नाइट में बहुत ज़्यादा काम करेगी आपके फेस के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है, आप चाहे तो दही भी ले सकते हो या एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। हल्दी जब रात भर आपकी स्किन में रहेगा वो आपकी कॉम्प्लेक्शन को बूस्ट करते जाएगी, ब्राइटन अप करते जाएगी। 1 दिन में आपकी स्किन में फ़र्क दिखने मिलेगा। तो सोचो 7 दिनों में आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। तो अगर आप इसी तरह DIY कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके?